सात तारीख से शीतकालीन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का शुरू होने जा रहा है, उससे पहले कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, जगह मिलेगी इस बार के कैबिनेट एक्सपेंशन में, या सिर्फ केंद्रीय आपका एकमात्र वो है? नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। यानी कि आगामी ये जो सत्र होने वाला है, इससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आप शामिल होंगे? अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब निश्चित देखने को मिलेगा, निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं, और साथी भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। एक दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव आज जब दिल्ली में थे, उनसे मणिपुर की घटना के ऊपर और ये तमाम सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने का काम किया है, आज उसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। देखिए, अब ये हताशा और निराशा का बयान है, और जो देश में विकास की योजनाएं जनता तक पहुँच रही हैं, इससे लोग घबराए हुए हैं, विपक्ष के लोग इस नाते बहुत परेशान हैं। जो जहाँ बयान दे रहा है वो उनकी हताशा और निराशा का है कि अब लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना है, हम लोग सिर्फ विपक्ष में ही रह करके अब विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, ऐसा महसूस विपक्ष को हो चुका है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये जो विपक्षी दलों के उनको छुपाने के लिए, इससे पहले भी नारा दिया गया था इंडिया इज इंदिरा या इंदिरा इज इंडिया, जिसमें जनता ने इनको जवाब दिया था और हटा दिया था, और उसके बाद इंडिया इज यूपीए, यूपीए इज इंडिया दिया, वो भी विफल नारा रहा, तो उस तरह से ये जो इंडिया है ये भी विफल रहने वाला है? देखिए, 100% जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है 100% सही कही है। देखिए, धरातल पे जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित अल्पसंख्यक हैं, बड़ी संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोग एनडीए के साथ इकट्ठा हो चुके हैं, अब वहाँ कोई किसी का दाल गलने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एक समय था कि जब गांधी जी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, ने कहा है कि जिस तरह से अंग्रेजों के लिए नारा दिया गया था, गांधी जी ने दिया था, अब वैसे ही जनता इन विपक्षी पार्टियों के लिए नारा देगी कि ये लोग भी इंडिया छोड़ें। 100% जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, विपक्ष के लोग जो हताशा और निराशा उनके सामने दिख रही है, ये एक दिन देखिएगा कि अब इनको विपक्ष में बैठने के सिवा कुछ है नहीं, जो सपना है सत्ता में आने का, जनता, देश की जनता उनको जवाब देगी खुद, और ये विफल हो गए हैं, और कभी आगे आने वाले दिनों में लंबे समय तक ये सत्ता के करीब नहीं दिखाई दे सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।